शोएब भाई की, शोएब भाई आपका आपकी ऑडियो थोड़ा है। जी 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 मैं ये आपसे कह रहा था कि आपकी बात ठीक है। अब आकाश बैट्समैन ये है, उससे पूछ लें इंटेंट क्या थी आपकी। जीरो टू स्कोर रन, आई डोंट थिंक सो। नो, आपने कुलदीप की फील्ड रिस्ट्रिक्शन का फायदा उठाया, आई डोंट थिंक सो। क्या उसने विकेट टू विकेट बॉलिंग की आपकी, जडेजा और कुलदीप ने? यस, वहां आपको चांस लेना चाहिए था। यस, बट ठीक है ना, इट इज ऑल अबाउट मैटर ऑफ इंटेंशन दैट यू नो दैट यू हैव टुवर्ड्स द गेम। इफ यू नॉट स्कोरिंग रन्स, इफ यू नॉट टेकिंग चांसेस और आपने विद इन द बबल खेलना है तो भाई साहब आउट तो आपने हो ही जाना है, आपने तो कल। लेकिन आप स्ट्राइक रेट को मेंटेन तो रखते हैं, आप स्कोर बोर्ड को टिकिंग तो रखते हैं। जब टिक करते हैं आप स्कोर बोर्ड को तभी तो प्रेशर बनता है। अब कुलदीप को अगर आप 8 ओवर में क्या आपने दिए हैं, बुमराह ने 7 ओवर में क्या 19 रन दिए हैं या पता नहीं कितने दिए हैं, 2 आउट किए। ओ यार ठीक है, बुमराह कितना की इंटिमिडेटिंग है, आपने ट्राई आउट किया उसको। क्या अब्दुल्ला शफीक ने उसको बड़ा अच्छा ड्राइव मारा, वो मुझे था उस पर चांस था कि यार वो बुमराह को एक्सपोज करता और बाकी बॉलिंग को एक्सपोज करता। लेकिन स्पिनर्स के ऊपर तो आप बिल्कुल ही बांध गए थे ना, आपने हाथ बांध लिए थे तो ऑब्वियसली आपसे रन नहीं हुए। और फिर जो ही आपकी विकटें गिरी क्योंकि आपके पास डेप्थ नहीं थी बैटिंग की, आप फारग हो गए। इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ इंटेंशन दैट यू नो हाउ यू टेक दिस गेम टुवर्ड्स योर टीममेट, बिकॉज इट्स द कैप्टन इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। लेट मी पुट इट दिस वे यार, अगर कप्तान की इंटेंट देखो ना, रोहित शर्मा की इंटेंट देखो, क्या वो क्या सोच रहा था? वो यही कह रहा था ना यार कि मैंने किसी और इंटेंट के साथ खेलना है। तो वो देख ले, वो नजर आ रही थी उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देख लें उसकी टीम की, तो उनकी इंटेंट नजर आ रही थी हम हेयर टू टेक विकेट्स। तो या आई थिंक इट्स अ लॉट टू बी डिस्कस्ड यार, वो अब एक दिन में नहीं हो सकता। बिल्कुल पूरा पाकिस्तान यही डिबेट कर रहा है कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। अब मैं वो चीजें कहना नहीं चाह रहा, बट इज गॉन रॉन्ग बिकॉज फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं यार कि ये क्या भाई। थोड़ा सा तो कह दो, एक हेडलाइन तो दे दो हमें। दे दी है यार, बहुत सारी दे दी है। एक बढ़िया सी मसालेदार सी एक हेडलाइन तो दे दो। पिछले 10 साल से हेडलाइन ही दे रहा हूँ। 10 साल से हेडलाइन ही दे रहा हूँ भाई, बड़ी परेशानी में आती है। नहीं यार, मैंने कहा ना आपसे, इट्स अ ह्यूज वास्ट डिफरेंस बिटवीन टू टीम्स। एक बहुत बड़ी टीम है, एक आपके सामने एक्सपोज हो गई है पाकिस्तान की टीम। ये सिर्फ खाली टीम नहीं एक्सपोज हुई यार, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक्सपोज हुआ है, आपकी सिलेक्शन कमेटी की इंटेंशन भी एक्सपोज हुई है, आपका कप्तान भी एक्सपोज हुआ है, आपके बॉलर्स भी एक्सपोज हुए हैं। आप खाली टीम मैच नहीं आ रहे, आपका पूरा सिस्टम एक्सपोज हुआ है। तो ये मैं नहीं कह रहा एक मैच से क्या हो जाता है, अगले भी 4 देख लेना। तो आपका प्रॉब्लम है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जब तक मैंने दिन में आपको लफ्ज यूज किया था मीडियोक्रिटी, पाकिस्तान जब तक मीडियोक्रिटी से आगे नहीं निकलेगा और आप इस किस्म के लोग लाते रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में, और पाकिस्तान क्रिकेट को माशाल्लाह 72 साल से कम का बंदा मिलता ही नहीं जिसे पाकिस्तान क्रिकेट चलानी है जी। तो उससे तो कम तो लेना ही नहीं ना हमने, ये तुम्हारा सेट रूल है। 76 साल का होगा तो उससे तो काम हमने बंदा लेना ही नहीं। तो दूसरी बात ये है कि जो सिलेक्शन कमेटी 5 साल पहले थी, जो 15 साल पहले थी, जो फील्डिंग कोच 20 साल पहले था, हमने उसी के साथ चलना है जी। क्योंकि हमें येस मैन चाहिए होते हैं, हमें आउट ऑफ द बॉक्स लोग सोचने के लिए नहीं चाहिए। मेरे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचे और दिलेरी के साथ खेले और ठीक बात ठीक जगह पे करे। तो इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पे थी और कहाँ पे आ गई है। देखें, खाली शहनशाह के आने से तो पाकिस्तान टीम बड़ी तो नहीं हो जाएगी ना, पूरा एक स्पोर्ट्स सिस्टम है जिसकी वजह से आप चलेंगे। आपके स्पिनर्स कहाँ हैं, आपके बैटर्स किधर हैं, आपके कट फॉर रोल प्लेयर्स किधर हैं, एक्सेलरेशन करने वाले प्लेयर्स किधर हैं, आपके रन बॉल खेलने वाले किधर हैं, फिर आपके पूरा मैच कंस्ट्रक्ट करने वाले किधर हैं। तो यार ये खाली बाबर आजम से नहीं काम चलता ना। वो ठीक है, शकीबुल हसन तो एक बांग्लादेश का प्लेयर बन जाएगा आकाश में, वो तो खैर मैटर तो नहीं करता ना यार। अल्टीमेटली यू हैव टू विन गेम्स। पाकिस्तान पिछला अब निकाल लीजिए, सेमीफाइनल खेला बाहर, फाइनल बाहर, एशिया कप बाहर, पिछला वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में बाहर। कोई बड़ा टाइटल आप जीतने में कामयाब हुए? आप जिम्बाब्वे को मार के, वेस्ट इंडीज को मार के नंबर 1 बन सकते हैं, ये आपकी खाम ख्याली है। जब आप बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे, ये टूर्नामेंट है ना, 5 टीमें बड़ी आई हैं तो यहाँ फैटी लगाओ ना, 3 चलो 5 में से 5 नहीं, 3 तो जीतो, 2 तो जीतो, तो 2 से पता चलेगा कि आपकी इंटेंट है। इंटेंट है तो मारे, अगले 2 बड़े मैच मारे, वापस आए बांग्लादेश समेत, आप जीते अफगानिस्तान से भी, तो बात बनती है। ये नहीं हो सकता कि यार हॉलैंड हारेगी तो वो बारिश होगी तो ये होगा तो हम पहुंच जाएंगे। आपको कभी नहीं, कभी खेल के भी जीतना पड़ेगा। बिल्कुल, हर बार कुदरत के निजाम पर आप सेटल नहीं हो सकते। यार मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था।